हमारी असाइनमेंट तो है ना पीडीएफ की फॉर्म में, फर्स्ट जो आपने मुझे ग्रुप सेंड, अगर तो की। आप लोगों ने मुझे सेंड की हुई होगी तो जरूर होगी। चलें फिर, हम जो हमने कल पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। आ गई है कि नहीं आई? जी सर आ गई थी। चले अब हम नेक्स्ट पढ़ने के लिए चलते हैं। आज हमने पढ़ना है एक्सट्रोस्पेक्शन, जो कि सेकंड मेथड था। मेजर रिसर्च मेथड जो थे वो दो ही थे, एक इंट्रोस्पेक्शन था, एक एक्सट्रोस्पेक्शन था स्टार्ट में जो आए। अब एक्सट्रोस्पेक्शन के मुतल्लिक हम पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट सर, मुझे चेक कर। हाँ जी, हम एक्सट्रोस्पेक्शन के मुतल्लिक पढ़ने जा रहे हैं। रैंड ने 1990 में आइडेंटिफाई किए दो तरह के जो कॉग्निटिव प्रोसेस थे, आइडेंटिफाई टू बेसिक टाइप ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस के। कॉग्निटिव प्रोसेस की दो बुनियादी इकसाम है, ये रैंड ने आइडेंटिफाई किया था। इसने कहा था कि वो है इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रोस्पेक्शन, ये दो बेसिक टाइप है कॉग्निटिव प्रोसेस। ये फीमेल थी। इसने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन जो होता है ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें बंदा जो है अपने माहौल के, अपने अंदर के माहौल तक रसाई हासिल कर लेता है, यानी कि उसके अंदर जो कुछ चल रहा होता है ये वहां तक पहुंच जाता है। उसको इलम होता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसके जहन में चल रहा है, इन सारी बातों का उसे ए टू जेड इलम होता है। थ्रू इंट्रोस्पेक्शन वो अपनी इनर फीलिंग और अपने इनर थॉट का जायजा ले सकता है या वहां तक रसाई हासिल कर सकता है। और इसने एक्सट्रोस्पेक्शन को इस तरह से बयान किया कि एक्सट्रोस्पेक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपनी दुनिया, बाहर वाली दुनिया में मौजूद जो भी स्टिमुलस है या जो भी चीजें हैं वहां तक हम रसाई हासिल कर लेते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं कि जी कोई जो सी भी चीजें मौजूद होंगी उसके बारे में हमें इलम हो जाएगा थ्रू एक्सट्रोस्पेक्शन। इसने एक चीज, इसने कहा कि कोई भी केस हो उसमें एक चीज नोट की जाती है कि इंट्रोस्पेक्शन हो या एक्सट्रोस्पेक्शन, दोनों में से कोई भी हो, देयर एग्जिस्ट एन एक्सप्लिसिट लिंक टू वंस अवेयरनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई लिंक जो होता है वो बाहर वाली दुनिया के साथ जरूर पाया जाता है, चाहे वो इंट्रोस्पेक्शन हो चाहे वो एक्सट्रोस्पेक्शन हो, उसका लिंक बाहर वाली दुनिया के साथ जरूर बनता है। अभी तक जो वो हमने पढ़ा है इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन? चले जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। साइकोलॉजिस्ट हु रियलाइज द लिमिटेशंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, वो वाले साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन पे क्रिटिसाइज किया था या उस पे तनकीद की थी कि इसमें ये खामियां हैं या ये इसके अंदर नाकामियां हैं, उन सब का इत्तेफाक किस पे हो गया? एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन वाले मेथड पे हो गया, क्योंकि ये साइंटिफिक तौर पे इंसानी करदार और इंसानी अमाल को स्टडी करता है, यानी कि एक्सट्रोस्पेक्शन पे उन सब का एग्री हो गया क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन करते हैं। साइंटिफिकली ही हम किसी बंदे के ज़हनी अमाल और ज़हनी करदार के बारे में जानते हैं। द ग्रेटेस्ट advantage of extrospection is that it has a made psychology objective and scientific. Extrospection को जो एक अजीम फायदा हासिल हुआ था वो फायदा ये था कि psychology को इसने आके objective बना दिया और ये scientific था, क्योंकि extrospection जो होता है वो scientifically काम कर रहा होता है, इसलिए ये objective और scientific होने की वजह से इसको एक ज्यादा अहमियत हासिल होगी extrospection। This method is not a substitute for the experimental method. ये जो तरीकाकार है ये हरगज experimental method का मुतबादल नहीं हो सकता, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे उसको कहते हैं experimental method, उसका मुतबादल नहीं है, लेकिन हम इसको अक्सर कात इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ experimental method का इस्तेमाल करना नामुमकिन हो, यानी कि जहाँ हम experimental method को किसी वजह से इस्तेमाल ना कर सकते हो, जहाँ एक्सपेरिमेंटल मेथड को
इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाए, वहां हम इस मेथड को एक्सपेक्टेशन को यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द मेन कंसर्न ऑफ साइकोलॉजी इज टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द बिहेवियर्स ऑफ अदर। जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उनका एक ही चीज पे फोकस था कि वो किसी बंदे के बिहेवियर को पहले से ही जान ले और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे द मेथड ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी बॉडी चेंज ड्यूरिंग एन इमोशनल। मिसाल के तौर पे ये जो तरीका है कि हम बाहर वाली चीज़ों का या अपने से बाहर जो दुनिया है उसका मुशाहदा करते हैं वो हमें इस काबिल बनाती है। ये वाला अमल जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है वो हमें इस काबिल बना देता है कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई जिस्मानी तब्दीलियाँ हैं जज्बात की वजह से तो उसको हम मुशाहदा कर सकते हैं। कोई बंदा जज्बाती है, गुस्से में है, उसके बॉडी में जो भी चेंजेस आ रही, या कोई बंदा एंग्शियस है, परेशान है, उसके जो रंग पीला पड़ना शुरू कर देगा, जिस्म कांपना शुरू कर देगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के साथ हम देख सकते हैं। मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, पहले तो हम यानी कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख सकते थे, आजकल के दौर में जदीद दौर है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आ चुके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बंदे के अंदर जो साइको गैल्वेनिक चेंजेस आती हैं उसके बारे में हम पता चला सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल तेज हो जाना ड्यूरिंग एन इमोशनल स्टेट जब आप जज्बाती हालत में होते हैं। द मेन डिफिकल्टी विद एक्सट्रोस्पेक्शन, अब एक्सट्रोस्पेक्शन के साथ एक ही मसला था, वो जो मसला था ये था कि हम इंसानी जो एमाल है या इंसानी प्रोसेस जो ज़हनी प्रोसेस है और जो करदारी अमल है उसके साथ हम इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो चीज़ हम लगता है हम वैसे उसके बारे में बयान करना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो लगता है इस वक्त ना ये डिप्रेस है, मुझे तो लगता है कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, हम इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। समझ आ गई अभी तक के इसमें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। है किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। As we know, many people don't let their thoughts and feelings become obvious and known to others. जैसे कि हमें पता है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो अपने जो सोचे हैं, अपने एहसास जो हैं, अपनी सोचे हैं, वो दूसरों को शो आउट नहीं करवाना चाहते होते हैं, वो छुपाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई बंदा इन सोचों तक रसाई हासिल करे या उन एहसास तक रसाई हासिल करे। इन सच इंस्टेंस ऐसी सूरत हाल में आवर इनफेरेंस विल बिकम इनवैलिड। तो ऐसी सूरत हाल में जो हम इनफेरेंस जो हम कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है ये डिप्रेशन है तो वो तो सारा बेकार हो जाएगा। एक बंदा जो है डिप्रेसिव है लेकिन वो मेरे सामने एक्ट इस तरह कर रहा है, अपने आप को खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं उसको तक ना पहुँच सकूँ कि ये डिप्रेस है, उसके साथ साथ को ना देख सकूँ, उसकी सोचों तक ना पहुँच सकूँ, तो इसके लिए वो एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम उसका यानी कि उस वक्त उसके बिहेवियर से जायजा लाएंगे वो सारा नकार जाएगा, बेकार जाएगा क्योंकि उसने एक्ट किया हुआ है, वो वैलिड नहीं होगा। इट इज एविडेंट, ये सबूत है दैट रिट्रोस्पेक्शन टू इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड। ये एक सबूत है कि हम ये कह सकते हैं कि रिट्रोस्पेक्शन मेथड भी कोई इतना काबिल एतमाद तरीकाकार नहीं है। इफ़ यूज एज द सोल मेथड के हम इसको एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल तहकीक के लिए इस्तेमाल कर सकें कि हम ये समझे कि ये एक बेहतरीन तरीका कार है, इससे हम साइकोलॉजिकल तहकीक बहुत अच्छी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई ये जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कुछ ना कुछ इस पर भी क्रिटिसिज्म है, कुछ ना कुछ इसमें भी खामियाँ हैं जो हमने ऊपर बताया कि बंदा एक्ट कर सकता है। तो आप किस तरह से उसके मुशाहदा देख के आप बता सकते हैं कि इस वक्त इसकी कंडीशन ये चल रही है, इसमें ये चेंजेस आ रहे हैं। अंडरस्टैंड? यस सर।
इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन को आप 2-3 मिनट के लिए पढ़ें, फिर आगे हम फर्दर चलते हैं। मेरी बोतल उधर पानी की, चले जी। नेक्स्ट टाइम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा द एक्सपेरिमेंटल मैथ। ये सही तौर पे ऑब्जेक्टिव है या साइंटिफिक मेथड, इसको कंसीडर किया जाता है। जहाँ ये हम ना लगा सकें वहाँ हम अदर्स मेथड्स की तरफ जाते हैं। आजकल भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका था यही एक्सपेरिमेंटल मैथड। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड की हम बात करते हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्टों का ये मानना था या वो ये समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो सिर्फ एक वाहद तरीकाकार है जो कि साइंटिफिक है, जो कि हमें बहुत पावरफुल मालूमात फ्राहम करता है और ये पावरफुल तरीके से हमारे वो वाले क्वेश्चन जो कि रिसर्च में हमने बनाए होते हैं उनका जवाब देता है। टू यूज द साइंटिफिक मेथड, जब हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं रिसर्चर वेट, जो रिसर्चर है वो नीचे जितने स्टेप्स के हैं इन सब पे अमल दरामद करता है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले जो तहकीक करने वाला है उसके दिल में मसला होना चाहिए, आखिर मसला है क्या जिसकी वजह से वो तहकीक करने जा रहा है। दूसरा उसके दिल में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो किस तरीके से ये तहकीक करेगा, किस तरह से वो ये तहकीक को किस तरीके से वो इसको कंडक्ट करेगा, किस तरह से वो मालूमात को इकट्ठा करेगा। थर्ड है हमारा एनालिसिस ऑफ डेटा, जो मालूमात हमें हासिल हुई होगी उस मालूमात का किस तरह से हम स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करेंगे, किस तरह से हम उसके नताइज निकालेंगे। ड्रा कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, हम उसका नतीजा निकालेंगे कि आया इसका नतीजा क्या निकल सकता है। अब साइकोलॉजिस्ट जो थे वो मुख्तलिफ तरीकाकार जो थे तहकीक के लिए इस्तेमाल करते थे, इंसानी किरदार और जानवरों के किरदार को समझने के लिए साइकोलॉजिस्टों ने मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाए। तहम ईच मेथड फॉलो द स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड, जितने भी तरीकाकार उन्होंने इस्तेमाल किए हर तरीकाकार जो है वो साइंटिफिक तरीकाकार के
जो स्टेप्स हैं मरहले उनको फॉलो करता है फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ नजरिए से. इसमें उसने कहा बाय कंबाइनिंग डिफरेंट मेथड, इसमें हम क्या करते हैं मुख्तलिफ जो तरीकाकार है उनको इकट्ठा करते हैं. रिसर्चर कैन ऑब्टेन अ मच मोर कंप्लीट पिक्चर, जो रिसर्चर होता है उसके पास एक कंप्लीट तस्वीर आ जाती है साइकोलॉजिकल प्रोसेस से मुतल्लक, यानी कि जो इस चीज को तहकीक कर रहा है उससे मुतल्लक उसके पास एक मुकम्मल तस्वीर आ जाती है. द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई अ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप. अगर कोई क्वेश्चन ये कर दे कि जी एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उसका मकसद क्या है, वो क्या काम करता है, उसका मकसद क्या है, वो क्या काम करता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो एक अगर हम आम जुबान में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये काज और इफेक्ट रिलेशनशिप को चेक करता है, शनाख्त करता है कि कौन सी चीज वजह बनती है और किस चीज पे उसके असर आता है, ये इस चीज की शनाख्त करता है कि उनके दरमियान तल्लुक कैसा है. मिसाल के तौर पे एक रिसर्चर था, उसने सिस्टमेटिक इन एन एक्सपेरिमेंट अरबे के अंदर रिसर्चर जो होता है वो अपने पास से जो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट करता है. मैनिपुलेट का मतलब होता है पैदा करना या लगाना, जैसे कि मैं कहूँ कि कमरा खामोश है, मैंने उधर अपने जाके म्यूजिक चला लिया, अब म्यूजिक जो है ये मेरा वेरिएबल है. वेरिएबल कैन बी वेरी, वेरिएबल इज अ थिंग विच कैन बी वेरी. वेरिएबल वो चीज होती है जो कि तब्दील होती रहती है. अब इसमें क्या है, रिसर्चर एक वेरिएबल अपने पास से मैनिपुलेट करता है उस हालात में, उस सूरत हाल में, ताकि वो उस वेरिएबल का जो उसने मैनिपुलेट किया उसका इफेक्ट देख सके किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर. जैसे आगे हम फर्दर पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि वेरिएबल है क्या. एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ आपने वो ये ध्यान में रखें कि वेरिएबल इज अ थिंग विच कैन बी वेरी, और रिसर्चर खुद से मैनिपुलेट करता है वेरिएबल को ताकि वो अफेक्ट देख सके किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर उस वेरिएबल का जो उसने खुद से मैनिपुलेट किया है. अंडर कंट्रोल कंडीशन एंड ऑब्जर्व हाउ द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड, और ये मुशाहदा कर सके कि किस तरह से जो लोग हैं वो इस पर रद्द अमल देते हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत से तालबे इल्म हैं दैट दे कैन स्टडी वेल, बहुत से मिसाल के तौर पर बहुत से तालबे इल्मों का ये कहना है कि वो म्यूजिक में जब वो म्यूजिक सुन रहे होते हैं तब वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं. जब यही वाली बात उनके पेरेंट्स से डिस्कस की गई तो उनके पेरेंट्स का ये ख्याल था कि ये बिल्कुल ही गलत बात, उन्होंने इस पर आर्गुमेंट किए कि ऐसा नहीं होता कि म्यूजिक को सुनते सुनते आप जो है वो पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके. अब ये एक मसला बन गया, कुछ स्टूडेंट कुछ कह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, तो रिसर्चर ने सोचा क्यों ना इस पर ही तहकीक की जाए कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता. इस मकसद के लिए रिसर्चर ने क्या किया कि जी स्कूल साइकोलॉजिस्ट था एक, उसने क्या किया कुछ स्टूडेंट्स लिए और उन स्टूडेंट्स को उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. एक ग्रुप को उसने कंट्रोल ग्रुप का नाम दे दिया, एक ग्रुप को उसने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दे दिया. अब उसने इनको दो ग्रुप में तकसीम इसलिए किया ताकि वो अपने पास एक वेरिएबल जो म्यूजिक है वो मैनिपुलेट करे और उसका इफेक्ट स्टूडेंट की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर देख सके, या जो वो मैथ के सवाल कर रहा है. इसमें उसने बेसिकली मैथ के क्वेश्चन की एग्जांपल दी है कि वो जो लोग म्यूजिक के, यानी कि इसने एक
दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद रिसर्चर ने क्या किया कि अपने पास एक वेरिएबल जो म्यूजिक है उसको मैनिपुलेट किया, उसका इफेक्ट किस पे देखने के लिए कि जी वो कितनी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो सही आर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। अब उसने कहा फर्स्ट करें, लेट अस अज्यूम हाफ ऑफ द स्टूडेंट वर्क इन अ क्वाइट रूम, कि आधे स्टूडेंट जो थे उनको आपने पूरा स्कूल कमरा दे दिया कि आप इधर बैठे और इधर बैठ के काम करें, वेयर द अदर हाफ वर्क व्हाइल लिसनिंग द मोस्ट लाउड पॉपुलर म्यूजिक, और आधों को ऐसे रूम में बैठा दिया जहाँ उसने अपने पास से रिसर्चर ने म्यूजिक मशहूर कोई गाना ऊंची आवाज में मोस्ट वर्क में चला दिया। इन एन एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेंट जो है जो इस तहकीक में हिस्सा ले रहे हैं वो इस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, देते हैं। नंबर ऑफ आर्थमेटिक प्रॉब्लम्स करेक्टली सॉल्व, कि वो कितनी तादाद में जो है मैथ के सवाल सही करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूजिक, द रिसर्चर विल होल्ड कांस्टेंट ऑल सच वेरिएबल्स दैट आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस। म्यूजिक के अलावा तहकीक करने वाले ने जितने बाकी वेरिएबल्स थे उन सबको कॉन्स्टेंट कर दिया, जो के रिसर्च की जो के किसी पार्टिसिपेंट की या किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हो सकते थे, यानी कि सिर्फ म्यूजिक का असर देखना है, इसलिए बाकी जितने डिग्री के जो होंगे वेरिएबल उनको उसने कांस्टेंट कर दिया कि इसका कोई असर ना आए, उन्हें इस तरह कर दिया कि वो उनका अफेक्ट जो है वो स्टूडेंट की जो आर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उस पर ना आ सके। अब अदर वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं, रूम का टेम्परेचर हो सकता है कि जी एक को आपने सर्दी वाले रूम में बिठा दिया, एक को आपने नॉर्मल तेज़ हरारत में बिठा दिया, एक को गर्मी में बिठा दिया, एक को नॉर्मल में, इस चीज़ को उसने कंट्रोल किया। फिजिकल कंडीशन ऑफ द रूम कंट्रोल की एज, ये नहीं कि जी कुछ स्टूडेंट जो थे वो टेंथ क्लास के ले लिए, कुछ सिक्स क्लास के ले लिए, एज ग्रुप भी सेम था, कंट्रोल ग्रुप वालों का भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों का भी। आर्थमेटिक एबिलिटी, अब ये जो उनकी सलाहियत थी ये नहीं था कि जी कुछ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से स्टूडेंट ले लिए, जो कंट्रोल ग्रुप वाले थे एक्सपेरिमेंटल वाले जो थे वो मैथ वाले से ले लिए, ऐसा नहीं किया, बल्कि सारे ही मैथ से ले लिए ताकि उन सबकी एबिलिटी आर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक जैसी रहे ताकि इसका फैक्टर ना आ सके हमारी रिसर्च पे। टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बाय द पार्टिसिपेंट, अब वो ये कि ये नहीं किया कि जी किसी को जरब के सवाल दे दिए और किसी को जवाब दे दिए, जिसको दिए एक जैसी ही टाइप की प्रॉब्लम थी ताकि इसका भी इफेक्ट ना आ सके हमारी तहकीक पे। ये जितने वेरिएबल अभी मैंने बताए इनको कॉन्स्टेंट रखा गया कि इनका असर ना आए किसी बंदे किसी स्टूडेंट की जो सलाहियत है क्वेश्चन सॉल्व करने की उस पर। इफ द नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वड अंडर द टू कंडीशंस शो लार्ज वेरिएशन, अगर तो वो जो तादाद है जो सवाल सॉल्व किए सही हल किए उनमें डिफरेंस आए वेरिएशन आए उनके नतीजे में बहुत ज्यादा फर्क आए कि कंट्रोल ग्रुप वालों का नतीजा बहुत ही अच्छा आया, एक्सपेरिमेंटल वालों का बहुत ही बुरा आया, तो ये एक लार्ज वेरिएशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिसर्चर जो है वो ये नतीजा निकालेगा कि ही शी हैज फाउंड अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि इन्होंने कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है बिटवीन द म्यूजिक एंड द एबिलिटी टू सॉल्व आर्थमेटिक प्रॉब्लम, इन दोनों चीज़ों के दरमियान वाकई ही कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंड
अभी तक किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। है किसी को कोई कंफ्यूजन? सारी समझ आएगी, सारी समझ आएगी। चले फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। काफी है सर बेटा, अभी काफी ने हाइपोसिस और थ्योरी पढ़ना है। हाइपोसिस क्या होता है? व्हेन यू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, जब कोई आप तजर्बा करने की तरफ जा रहे होते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टेट अ हाइपोथेसिस। पहला मरहला क्या होता है कि आप हाइपोसिस बनाएं। हाइपोसिस होते क्या है? अ हाइपोसिस इज अ प्रिडिक्शन अबाउट हाउ सम स्पेसिफिक इवेंट विल टर्न आउट, कि एक जो खास इवेंट है उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये प्रिडिक्शन होती है। बेस्ड ऑन द इम्प्लीकेशन यू हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम द ओवरऑल थ्योरी, ये उस इम्प्लीकेशन की बुनियाद पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि हम थ्योरी को टेस्ट करने जा रहे होते हैं। जैसे कि न्यूटन ने एक बाग में बैठा था, सेब गिरा, उसने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जमीन में जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसने ये एक थ्योरी दी। अब इस थ्योरी को उसने चेक करने के लिए हाइपोथेसिस बनाया। को अच्छा जी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो दोबारा हम उस तरफ को जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। अच्छा जी, इसमें हम पढ़ रहे थे कि जी जैसे कि न्यूटन ने कहा कि जी वो दरख्त के नीचे बैठा था, सेब आके गिरा, उसने कहा कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि बंदे को अपनी तरफ थी जो कि हर चीज को जो है वो जमीन अपनी तरफ खींचती है। अब इसकी बेस पे उसने क्या कहा कि जी एक छुरी दे दी, मुख्य लोगों ने इस पर टेस्टिंग की और टेस्ट से यही नतीजा निकला कि ऐसा ही होता है। मुख्य इंतजाम ऊपर से नीचे गिरा के देखे गए, सब के सब ऐसा ही हुआ। तो इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू आर एक्सपेक्ट, कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, उसका मतलब आपकी एक टेंटेटिव आरजी एक मफरूजा होता है, एक आरजी स्टेटमेंट आती है। A hypothesis can be stated in an if-then format. If and then की format में hypothesis जो है लिखा जाता है। If certain things will happen, अगर कुछ खास चीजें होंगी, for example in the above experiment जो ऊपर हमने अभी experiment किया है या experiment के मतलब पढ़ा है, उसमें जैसे कि कहा गया है if music is present, then children solve fewer arithmetic problems accurately. कि अगर तो म्यूजिक होगा तो जो तालबे इलम है वो कुछ आर्थमेटिक कुछ आर्थमेटिक प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से हल कर पाएंगे। ये जितना हमने ऊपर पढ़ा है इस सारे की जगह हम, जैसे कि मैं आपको शो करवाता हूँ कि ये जितना हमने ये वाला पढ़ा ना जिसके ऊपर मेरा सर्कल एरो, ये सारा इस सारे की बजाय यहाँ तक फॉर एग्जांपल से आगे आप कर सकते हो, यहाँ से लेके वेन से लेके हैपन तक आप बेशक ना करो, इसमें से आप यहाँ से कर सकते हो। अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल, इसमें हम क्या होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान हम तल्लुक को बताते हैं जो कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आप ये लिख दें फॉर एग्जांपल इन द अबव एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस वाज इफ द म्यूजिक इज प्रेजेंट, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी साइंटिफिक स्टडी इज टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस, कि जो हमने मफरूजा बनाया है उसकी वैलिडिटी क्या वो वैलिड है, उसके लिए हमें शवाहिद की जरूरत होती है। साइंटिफिक स्टडी में का ये ऑब्जेक्टिव होता है। अक्सर क्या होता है द ट्रूथ ऑफ द हाइपोथेसिस इज टेस्ट, कि अगर तो वाकई हाइपोथेसिस सच्चा है तो उसको टेस्ट किया जाता है विद द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थ्योरी, जो आपकी थ्योरी है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको फिर हम फर्दर जो है वो चेक करते हैं। फ्रॉम विच इज डिराइव्ड फॉर साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्टों के लिए अ थ्योरी इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। थ्योरी क्या है कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है डेट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, जो कि कोशिश करता है
कि वो तल्लुक को बयान कर सके डेट एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल, जो कि वेरिएबल्स के दरमियान तल्लुक पाया जाता है उसको बयान करने की तरफ एक कोशिश होती है थ्योरी एंड अदर वेरिएबल्स. इन एन एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड टू बी कंसिस्टेंट विद अ पर्टिकुलर थ्योरी. एक खास थ्योरी को बुनियाद पर हम हाइपोथेसिस जो होते हैं वो बनाते हैं. अभी तक जितना हमने पढ़ा है होपफुली आप लोगों को एक चीज की समझ आ गई होगी.